उत्तराखंड लोकसभा चुनाव 2024 के 5 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होनी है। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार सीटों पर वोटिंग होगी। बता दें कि लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी पूरे देश भर में चल रही है। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 भारत निर्वाचन आयोग की मशीनरी ने टिहरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला को नोटिस जारी किया। बता दें कि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के सदस्य सचिव जिला सूचना अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि जिस फेसबुक आईडी का उल्लेख नामांकन के दौरान किया गया उससे भिन्न फेसबुक आईडी का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो आयोग को नियम का उल्लंघन लग रहा है। साथ ही नामांकन के दौरान सही जानकारी न देना प्रत्याशी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन प्रतीत हो रहा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी की एक आईडी में अंग्रेजी के बड़े अक्षर हैं, जबकि दूसरी आईडी में नाम के शुरुआती अक्षर ही बड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी की एक आईडी में नाम ज्योत सिंह गुनसोला है और दूसरी में सिर्फ ज्योत सिंह दर्ज है। लिहाजा इस जानकारी को नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय कार्यालय को भेज दिया गया है, ताकि इन्हें प्रत्याशियों के खर्चों में शामिल किया जा सके।